आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, बीए पार्ट फर्स्ट एग्जामिनेशन यानी जनरल हिंदी, सामान्य हिंदी का पेपर कैसे आता है और इस पेपर में कितने सवाल अटेंड करने हैं, इनको किस प्रकार हल करना है, और ये बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट पेपर है। इस पेपर को आप अवश्य ही देखें। इसको देखने से आपके क्या फायदे होंगे, यानी जैसे मान लो ये पेपर आपने देखा नहीं है, यूं मान लो कि आपके लिए यही पेपर है और इस पेपर को आप हल कर रहे हो, यानी जब मेरे साथ साथ हल कर रहे हो, इसमें से आपके कितने सवाल आपको आ रहे हैं, कितने सवाल आपको आ रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि आप अपना आकलन कर लेंगे कि मैं 36% प्राप्त कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। यानी जैसे मान लो अभी क्या है, यानी आप देखेंगे कि इसमें से आप 36% प्रश्न कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, यही हमें देखना होता है, यही हमें देखना होता है। अब मैं आपसे ये बता दूं कि जैसे मान लो अभी 2022 है, तो 2022 में क्या है कि पेपर्स को आधा अटेंड करने का कहा गया है, और आप जिसमें यानी 50 नंबरों के सवाल है वो कहीं से भी आप कर सकते हैं, दोनों अथवा के कर सकते हैं, वो कर सकते हैं अगर, लेकिन इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि पेपर में लिखी हुई बात को ध्यान में रखना है। पेपर में लिखा हुआ होगा कि आपको पेपर को 50% ही हल करना है तो ही करना है। अगर मान लो पेपर में ही इस प्रकार की बात नहीं लिखी हुई, तो आप यानी अपने वहां पर उपस्थित जो भी हैं शिक्षक हैं उनसे निर्देश भी लेंगे कि है क्या, क्योंकि अभी तक अपने जैसे मान लो कई यूनिवर्सिटीज हैं, उनके नोटिफिकेशन जारी हो गए हैं कि पेपर को 1.5 घंटे में करना है ना, और किसी यूनिवर्सिटी का अभी तक कई कई यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जिनके नोटिफिकेशन नहीं आए हैं कि भी आपको 1.5 घंटे में करना है कि नहीं करना। पिछले साल तो आया हुआ था लेकिन इस साल नहीं आया हुआ है, तो आप पूरे निर्देश देख करके ही पढ़े, क्योंकि जैसे मान लो हम कहते हैं कि आपको नहीं 50% ही करना है और वहां यूनिवर्सिटी का रूल कुछ और हो जाए, तो आपको ये ध्यान रखना है कि पहली बात तो आपके पेपर में लिखा हुआ होगा, पेपर में लिखा हुआ होगा कि आपको 1.5 घंटे में हल करना है, 50% प्रश्नों को हल करना है। तो बात ये रही, वो तो आपके इश्यू नहीं रहेगा, क्योंकि वो तो आप जब रूम में एंटर होंगे तो आपको सब कुछ बता दिया जाएगा या सब कुछ आपके पेपर में मिल जाएगा। आपका जो एडमिट कार्ड आएगा, एडमिट कार्ड में भी आपको लिखा हुआ मिल जाएगा कि आपके जो टाइम है वो कितना है। जैसे इसमें 3 आवर है, तो वहां यदि मान लो आधा पेपर हल करना है तो उसमें 1.5 घंटा दिया हुआ होगा, 1.5 घंटा ही दिया हुआ होगा, तो आपको 1.5 घंटे भी करना होगा। तो इस पर इस तरह ध्यान रखना है। अगर मान लो 1.5 घंटे में करना है तब तो 50 अंकों के करने हैं, और जैसे मान लो 100 नंबर का करना होता है तो हमें कितने करने हैं, यानी 36 अंक लाने होते हैं। 50 का करना होता है तो उसमें 18 अंक लाने होते हैं। तो अब वो अंक कैसे आएंगे, आप मेरे साथ साथ जब हल करेंगे तो आप देख लेना कि मुझे ये सवाल आ रहे हैं। भाई जैसे मान लो मैंने ये पेपर बनाया है, तो इस पेपर में आपको तो यह नहीं कि आपने इस पेपर को पढ़ा है पहले, इसमें से यदि यूनिवर्सिटी से जो पेपर आएगा हुबहू इसी नकल पर आएगा, भाई इसी के आधार पर आएगा, यही उसका पैटर्न रहेगा। तो ये पैटर्न, इस पैटर्न के आधार पर मैंने बनाया है, और इस पैटर्न में से यदि आपके पूरे अंक आ रहे हैं तो इसका मतलब आपकी क्लियर है, तो आप इसको ये यानी कर पाएंगे इस पेपर को देख करके कि मेरा पेपर क्लियर होगा कि नहीं होगा। तो आइए चलते हैं पेपर की तरफ। और ये पेपर जो है वैसे आपके एमडीएसयू जो यूनिवर्सिटी है उसकी तर्ज पर बनाया गया है, एमडीएस यूनिवर्सिटी में ऐसा ही पेपर आता है, उसी तर्ज पर ये बनाया गया है। तो एमडीएसयू के लिए तो बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, वैसे अन्य अन्य यूनिवर्सिटीज के लिए, अन्य यूनिवर्सिटीज में विद्यार्थियों के लिए कैसे महत्वपूर्ण है, उनके लिए ग्रामर के जो प्रश्न है, ग्रामर के जो प्रश्न है वो महत्वपूर्ण है। ग्रामर के प्रश्न तो लगभग में सेम पूछे जाते हैं, तो ग्रामर के प्रश्न तो अन्य यूनिवर्सिटी के लिए भी महत्वपूर्ण है, और इसमें जो पार्ट टू के सवाल है वो एमडीएसयू के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण। एमडीएसयू के विद्यार्थियों के लिए तो सेम जिस प्रकार का पेपर आता है वैसा का वैसा ही है, तो आप इसको हल करके देखें कि आपके क्लियर होता है कि नहीं होता है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आपके प्रश्न आता है, 10 अंकों की दो व्याख्याएं आती है, एक तो आती है आपके यानी पद्य भाग में और एक आती है गद्य भाग। तो पद्य भाग की यदि हम व्याख्या देखें तो इसमें देखिए पहले लिखा हुआ है कि नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है, सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है, नदियां प्रेम प्रभा फूल तारे मंडन है, बंदी जन खग वृंद शेष फन सिंहासन है, करते अभिषेक पयोध है बलिहारी इस वेश की, हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की। तो इसमें अभी आपको मैंने हिंदी साहित्य में भी बताया था, अभी भी बता देता हूं कि आपको प्रसंग लिखना है, फिर इसकी व्याख्या करनी है, फिर इसमें से विशेष लिखना है।
अब आपके जैसे मान लो आपको याद नहीं है कि इसको लिखने वाला कौन है, कई बार ऐसा हो जाता है, तो आप प्रसंग में झूठा किसी का नाम नहीं लिखें कि ये फलां से लिख दिया गया है, उसके लेखक ये हैं। तो आप इसमें सीधा यही लिख दें कि प्रस्तुत अवतरण जो है हमारी सामान्य हिंदी पाठ्य पुस्तक में से संकलित पदों में से लिया गया है, पद्य भाग में से लिया गया है, जिसमें मातृभूमि की वंदना की गई है। एक बात ध्यान रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कि जैसे मान लो आपको याद नहीं है, लेखक याद नहीं है, तब आपको इतना तो याद है कि हमारी पाठ्य पुस्तक जो है सामान्य हिंदी है, सामान्य हिंदी में पद्य भाग, सामान्य हिंदी में संकलित पद्य भाग में से अवतरित है, और इसमें मातृभूमि की वंदना, क्योंकि हम जब जैसे इसको पढ़ते हैं तो पढ़ने पर ये तो हमें इतना पता चलता है, तो ये प्रसंग हो गया। प्रसंग के बाद हम व्याख्या करते हैं। वैसे ये कौन से पाठ में से है? आपके जो मैथिली शरण गुप्त का एक पाठ है, यानी उसका नाम है भारत वंदना, आपके एक भारत वंदना कविता है, उस भारत वंदना में से लिया गया है। तो जैसे मान लो जिनको याद है तब तो वो लिखेंगे कि मैथिली शरण गुप्त द्वारा विरचित भारत वंदना कविता से उद्धृत है, और इसमें मातृभूमि की वंदना का वर्णन, या मातृभूमि की वंदना की गई है, मातृभूमि की के गौरव का वर्णन किया गया है। तो इसमें अब आप इसकी व्याख्या करेंगे, तो देशभक्ति की भावनाओं को व्यक्त करते हुए कवि क्या कहते हैं कि हे मातृभूमि, तुम्हारी हरियाली रूपी नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है, यानी तुम्हारी हरियाली रूपी, ये जो कवि कहता है कि हरियाली रूपी जो अधोवस्त्री है, अर्थात अधोवस्त्री से आवर्त तुम्हारा शरीर है, अर्थात इस सुंदर हरितिमा से तुम्हारा जो आवर्त शरीर है ये बहुत ही सुंदर है। सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है, सूर्य और चंद्रमा तुम्हारे मुकुट है, मेखला रत्नाकर है, अर्थात ये जो समुद्र है वह तुम्हारी मेखला है, और वह तुम्हारी मेखला है यानी करधनी है, मेखला का मतलब होता है करधनी, वो तुम्हारी मेखला है। नदियां प्रेम प्रवाह फूल तारे मंडल है, और धरती पर प्रवाहित होने वाली जो नदियां हैं वो प्रेम का प्रवाहित रूप है, और भाव यह है कि यानी यहाँ का बहता हुआ पानी मातृभूमि की वंदना करता हुआ, या हृदय में मातृभूमि के हृदय में उमड़ने वाले प्रेम को व्यक्त करता है। तो इस प्रकार तो इनकी बंदीजन खग वृंद वेश शेष फन सिंहासन है, बंदीजन खग वृंद यानी ये जो खग वृंद यानी पक्षियों का जो समूह है वो तुम्हारे बंदीजन है, शेष फन सिंहासन है, और शेषनाग का फन है वो तुम्हारा सिंहासन है। करते अभिषेक पयोद बलिहारी इस वेश की, अर्थात पयोदिनी बादल, और अभिषेक करते अभिषेक पयोद है बलिहारी इस वेश की, तुम्हारे इस वेश को देख करके बादल भी तुम्हारा अभिषेक करते हैं, यानी तुम्हारी इस रमणीय छवि पर हम न्योछावर जाते हैं। और हे मातृभूमि, तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की, हे मातृभूमि तू वास्तव में ही इस सगुण साकार परमेश्वर की मूर्ति है। अब इसमें जैसे मान लो आप विशेष लिखेंगे, तो विशेष आप क्या लिखेंगे, विशेष क्या लिखेंगे? विशेष इसमें जैसे देशभक्ति की भावना के स्वर प्रमुख है, एक तो देशभक्ति की भावना के स्वर प्रमुख है और मातृभूमि के प्रति सच्ची श्रद्धा व्यक्त की गई है, दूसरा है इसमें ये छपे छंद में है, कौन से छंद में है? छपे छंद में है। इसमें क्या है कि अंतिम चरण जो है, चार चरण, पहले चार चरण है वो रोला के हैं, दूसरे दो चरण है वो उल्लाला के हैं, यानी रोला और उल्लाला के योग से छपे बनता है, रोला उल्लाला के योग से छपे बनता है, तो इसमें ये छपे छंद है जिसमें चार चरण रोला के हैं और अंतिम दो चरण है वो उल्लाला के हैं। तो इस प्रकार आपको इसकी व्याख्या करनी है। अब इसी प्रकार जैसे मान लो मैं अगले के व्याख्या नहीं करूंगा, लेकिन थोड़ा सा संकेत आपको बता दूंगा, जैसे ये कविता है, मैं तो पंथी बाधाओं की संघर्षों की राह का, घने तिमिर में नई किरण का एक मधुर विश्वास हूं, जन्मा जब मानव ने सोची बात नए निर्माण की, बढ़ा बड़ी झुंझुन सुकलिप्सा वैभव के उत्थान की, मैं रहता हूं रक्त स्वेद से मनमोहक श्रृंगार कर, मनमोहक श्रृंगार कर चलता हूं तूफानों में नित दहके अंगार पर, मझधार के मतवाले यौवन से मेरी प्रीत है, लहर 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 के डर से तट से मिलने का उल्लास हूं, मिलने को का उल्लास हूं। यानी इसमें ये जो कविता है वो आपके श्रम कविता है, पद्य संकलन में आपके जो श्रम कविता है, और इसके कवि हैं आपके दया कृष्ण विजय की लिखी हुई है, ये दया कृष्ण विजय की लिखी हुई है, श्रम कविता इसमें से है, और इसमें भी आपके यानी कवि जो श्रम की महत्ता का वर्णन करता है, श्रम की महत्ता का वर्णन। अब आप जैसे मान इसका वर्णन कर सकते हैं, मेन आपके लिए क्या है? व्याकरण है। मेन क्या है?
व्याकरण है, व्याकरण के प्रश्नों को हम कैसे हल करेंगे। अब देखिए एक प्रश्न आपके ऐसे आता है, यानी दूसरा प्रश्न, ये भी 10 नंबर, 10 10 नंबर के दो आते हैं क्या? क्या आते हैं दो? यानी गद्यांश और पद्यांश जिनकी व्याख्या करनी होती है। देखिए इस देश में जो जिसके लिए प्रतिबद्ध है वह उससे नष्ट कर रहा है, लेखक की स्वतंत्रता के लिए प्रतिबद्ध लोग ही लेखक की स्वतंत्रता छीन रहे हैं, सहकारिता के लिए प्रतिबद्ध इस आंदोलन के लोग ही सहकारिता को नष्ट कर रहे हैं, सहकारिता एक स्पिरिट है, सब मिलकर सहकारिता पूर्वक खाने लगते हैं और आंदोलन को नष्ट कर देते हैं, समाजवाद को समाजवादी ही रोके हुए। यानी ये अगर मान लो किसी के पास बुक है तो वो इस बुक में से उतार ले, इसको आप थोड़ा तैयार कर ले। इसी प्रकार जैसे मान लो अगला है, मार्ग में के 3 दिन तक कुछ खाने को नहीं मिल सका। लक्ष्मा हंसकर कहती है, जब बहुत भूखा हुआ तब पीली मिट्टी का एक गोला बनाकर मुंह में रखा और आंख मूंद कर सोचा, लड्डू खाया बस, फिर एक बहुत सा बेस्ट फिर बहुत सा पानी पी लिया और सब ठीक हो गया। मृत्यु की वेतरणी पार करके आई हुई लक्ष्मा को देखकर जब नेहर वालों ने उसकी ससुराल वालों को दंड देना चाहा, तब लक्ष्मा के तीव्र विरोध ने ही एक महाभारत का सूत्रवाद रोका। यानी ये जो महादेव वर्मा के आपके एक रेखा चित्र है, जिसमें महादेव वर्मा का एक रेखा चित्र है लक्ष्मा, उस लक्ष्मा में से लिया गया है। तो इसको आप यदि हल कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपकी अच्छी तरह से क्लियर है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि लक्ष्मा रेखा चित्र के आधार पर लक्ष्मा की चारित्रिक विशेषताएं बताइए, लक्ष्मा की चारित्रिक विशेषताएं बताइए। या एपीजे अब्दुल कलाम का पाठ लिखा हुआ अग्नि की उड़ान आत्मकथांश में अब्दुल कलाम द्वारा व्यक्त विचारों की समीक्षा कीजिए। इन प्रश्नों को आप थोड़ा अच्छी तरह से तैयार भी कर ले। अब जैसे मान लो ये तो बात पढ़े हुए की है भाई, जैसे पढ़ लिया किसी ने तो वो अच्छी तरह से लिख सकते हैं, वैसे लक्ष्मण रेखा चित्र पर आप देख सकते हैं और अग्नि की उड़ान के आधार पर भी आप लिख सकते हैं। इसके अलावा मैथिली शरणगुप्त द्वारा रचित भारत वंदना कविता का मूल भाव अपने शब्दों में लिखते हुए मातृभूमि के महत्व का कारण होते। अब इसमें अगर मान लो भारत वंदना कविता है, भारत वंदना कविता है तो आप क्या करेंगे, टिप्पा नहीं लगाएंगे, आप सोचें कि भारत की वंदना करने के लिए हमें क्या क्या करना है, तो भारत की वंदना का अर्थ लिख दीजिए, संदेश लिख दीजिए आप, तो वही संदेश जो है लगभग मैथिली शरणगुप्त यानी गुप्त जी के द्वारा वही संदेश दिया हुआ होगा। आप जब सकारात्मक रूप से जैसे मातृभूमि का वर्णन करेंगे तो मातृभूमि में यहाँ की प्रकृति का वर्णन और यहाँ के अध्यात्म का वर्णन आप करेंगे तो वो निश्चित रूप से आपको इस कविता में मिलेगा। प्रकृति का वर्णन जैसे यहाँ की नदियां कैसी है, यहाँ का हरियाली कैसी है, अर्थात यहाँ की प्राकृतिक और भौगोलिक स्थितियां कैसी है ना, इसी के साथ साथ जैसे यहाँ के लोग कैसे हैं, उन सभी के बारे में जब वर्णन करेंगे तो भारत वंदना होगी। और भारतेंदु द्वारा विरचित कविता में वर्णित गंगा की शोभा, गंगा की शोभा का वर्णन, अब गंगा की शोभा का वर्णन तो आप कर ही सकते हैं, गंगा एक पवित्र नदी है, इसके बारे में आप कर सकते हैं। तो इन प्रश्नों को आप नहीं छोड़ें क्योंकि ये प्रश्न आपके लिए अच्छे हैं। अब बात आती है आपके व्याकरण की। व्याकरण में 5 नंबर के सवाल ऐसे आते हैं जिनको शुद्ध रूप करके लिखना होता है। क्या करना होता है? शुद्ध रूप करके लिखना होता है। तो इसमें देख लीजिए आपके शुद्ध रूप करके आप कैसे लिखेंगे। पहला प्रश्न है गीतांजलि, और गीतांजलि में क्या चीज है जिसमें देखो ये बड़ी है ना, इसको आपको ऐसे लिखना है गीतांजलि, ये शुद्ध हो गया। अतिथि, अब देखो अपने को सही लग रहा है लेकिन अतिथि होता है, क्या होता है? अतिथि ऐसे होता है। श्रृंगार में देखिए ये दोनों, ये जो है श्रृंगार में ये जो पाठ है ना, ये नहीं होती, केवल इतना ही होता है ऐसे, श्रृंगार इस प्रकार होता है। रचयिता नहीं होता, रचयिता होता है, रचयिता, ठीक है। अंतर्ध्यान, अंतर्ध्यान नहीं होता, अंतर्धान होता है, अंतर्धान। अब देखिए अपन अंतर्ध्यान लिखते हैं लेकिन अंतर्धान होता है उसका सही अर्थ। छिद्रान्वेषी, छिद्रान्वेषी में ये सह गलत है, बाकी सही है। जैसे क्या लिखेंगे आप? छिद्रान्वेषी, एक छिद्रान्वेषी होता है और एक छिद्रान्वेषी भी होता है। कवित्री लिखा हुई तो बिल्कुल आप देख ही रहे हैं। अब कवित्री में क्या होता है, कई बार इस प्रकार भी लिख देते हैं, कवियत्री भी लिख देते हैं, जबकि कवियत्री भी गलत है, कवित्री भी गलत है, और वो होता है कवित्री, कवित्री इस प्रकार सही होता है, कवित्री। अब उज्ज्वल में देखिए आधा जे, आधे जे दो हते हैं उज्ज्वल में, कितने ऐसे उज्ज्वल,
इस प्रकार यदि मान लो कहीं पे आपको डाउट होता है तो आप निश्चित रूप से मुझे भी बताइएगा। हो सकता है कि मेरे ध्यान में नहीं आई हुई बात और वो आपके ध्यान में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। बहुत सारे विद्यार्थी बहुत टैलेंटेड होते हैं, तो वो विद्यार्थी अगर मान लो इसमें किसी प्रकार को आपको लगता है तो आप निश्चित रूप से मुझे बताएं कि सर ये होगा तो ठीक रहेगा। अगला आपके 5 वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है। 5 वाक्य हैं, दिए हुए हैं, उनको शुद्ध करके लिखना है। जैसे प्रश्न है कि उसने हाथी पर काठी बांध दी। उसने हाथी पर काठी बांध, तो काठी क्या होता है? घोड़े पर बांधी जाती है। हाथी पर तो होदा रखा जाता है। क्या रखा जाता है? होदा रखा जाता है। तो उसे हम हल करेंगे, क्या लिखेंगे? उसने हाथी पर होदा रख दिया है, रख दिया है। इस प्रकार यह सबसे सुंदरतम कमीज है। अब सबसे सुंदरतम क्या मतलब है? या तो सबसे सुंदर है या सुंदरतम कमीज है। या तो लिखो सबसे सुंदर है, यह सबसे सुंदर कमीज है, या यह सुंदरतम कमीज है। यह सुंदरतम सुंदरतम कमीज है, तो इस प्रकार लिख सकते हैं, या यह सबसे सुंदर कमीज है। मीरा भक्त कवित्री थी। अब देखो यहां पर थोड़ा ध्यान रखना। यहां पर जैसे मान लो भक्त कवित्री थी, तो अपन कैसे कई बार क्या भक्तिनी कवित्री कर देते हैं कई, लेकिन भक्त कवित्री हो जाएगा। क्या है कि यहां पर कवित्री का कवित्री कैसे लिख देंगे? मीरा भक्त कवित्री थी, इस प्रकार लिख देंगे। नवरस में श्रृंगार रसराज कहलाता है। नवरस में श्रृंगार रसराज कहलाता है। इसमें देखो 2 गलतियां हैं, एक तो श्रृंगार में गलती है और एक नवरस में नहीं होता, नवरसों में होता है। नवरसों में श्रृंगार रसराज कहलाता है। देखिए 2 गलतियां हैं इसमें, ये ध्यान रखना। तो ये हो जाएगा नवरसों में श्रृंगार रसराज कहलाता है, रसराज कहलाता है, कहलाता है। बंदर को काटकर गाजर खिलाओ। बंदर को काटकर गाजर नहीं खिलाती खिलाया जाता, बंदर को गाजर काटकर खिलाओ। बंदर को गाजर काटकर खिलाओ, क्या है? बंदर को गाजर काटकर खिलाओ, गाजर काटकर खिलाओ। तोते को काटकर टमाटर खिलाओ, किसी ने कह दिया तो इसका मतलब ये नहीं है, तो इसका मतलब होता है तोते को टमाटर काटकर खिलाओ। यहां शुद्ध गाय का घी मिलता है ना, जबकि यहां गाय का शुद्ध घी मिलता है। शिक्षा से भविष्य उज्जवल होता है, शिक्षा से भविष्य उज्जवल होता है। अब देखिए इसमें क्या गलती है, इसमें यह गलती है, देखिए यह वर्तनी संबंधी गलती है और कोई गलती नहीं है। तो इसमें आप लिखेंगे शिक्षा से भविष्य उज्जवल होता है, उज्जवल होता है। हाँ एक बात और मैं बताना चाहता रहा था, जैसे मान लो इस प्रकार की गलतियां होती है तो आप जैसे उस सेंटेंस के नीचे अंडरलाइन कर दे, जहां से वो गलती थी अंडरलाइन कर दे, है ना, तो फिर वो सही हो जाएगा, यानी अगले के एग्जामिनर के सीधा समझ में आ जाएगा। रविवार के दिन तो सभी जगह अवकाश रहता है। रविवार अपने आप में एक दिन है ना, तो आप सीधा ही लिखेंगे, यानी रविवार को सभी जगह अवकाश होता है। क्या लिखेंगे? रविवार के दिन नहीं लिखना है, रविवार को सभी जगह अवकाश होता है। भक्ति युग का काल स्वर्ण युग माना जाता है। भक्ति युग का काल, युग और काल दो चीज, दोनों एक ही बात, तो हम कहेंगे भक्ति काल स्वर्ण युग माना जाता है। भक्ति काल स्वर्ण युग माना जाता है, यानी स्वर्ण स्वर्ण युग माना जाता है। इसी प्रकार का देखिए भाई, जैसे मान लो अपन ने ये देखा कि भक्ति युग का काल, भक्ति युग का काल है ना, भक्ति काल का युग, भक्ति काल स्वर्ण युग माना जाता है ना, तो इस प्रकार थोड़ा अच्छा लगता है। अगला देखिए, इस प्रकार के जो शब्द आते हैं, इसमें आपके 8 शब्द आते हैं, उनमें से 5 को आपको उत्तर लिखना होता है। अब देखिए इनको उत्तर लिख के देखते हैं। जैसे ग्लोसरी, ग्लोसरी को कहते हैं शब्दावली या शब्द भंडार। ग्लोसरी,
इनिशियल लघु हस्ताक्षर, लघु हस्ताक्षर, जॉब जॉब यानी कार्य या नौकरी कह सकते हैं आप। लीज, लीज का मतलब होता है पट्टा, लीज का मतलब क्या होता है पट्टा। अब लाइसेंस, लाइसेंस हमने सुना है लेकिन हिंदी में क्या कहेंगे, हिंदी में कहेंगे अनुज्ञप्ति, क्या कहेंगे अनुज्ञप्ति, अनुज्ञप्ति। टोल टैक्स, टोल टैक्स जो है वो हिंदी में हम कहेंगे पथ कर, क्या कहेंगे पथ कर। सेक्शन, सेक्शन का मतलब जैसे अपन देखते हैं कोई कौन सा सेक्शन है, अनुभाग। कैलकुलेटर यानी गणक कह सकते हैं, कैलकुलेटर गणक होता ही है। तो इस प्रकार आप इनको हल करें। इसी प्रकार जैसे अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पांच शब्द युग्म का अर्थ भेद स्पष्ट कीजिए। पांच का अर्थ भेद, आगम और अगम, यहां पर अगम है, आगम और अगम। तो आगम का अर्थ तो होता है पुराण, क्या अर्थ होता है आगम का, अर्थ क्या होता है पुराण, या जिसको हम आगमन भी कह सकते हैं, पुराण या आगमन। और अगम का अर्थ होता है कि जहां जाना संभव नहीं हो, अगम का अर्थ है जहां जाना संभव नहीं हो। चिर और अजिर, चिर और अजिर, अचिर अजिर, सॉरी अचिर, अचिर अचिर और अजिर। अचिर का मतलब तो होता है आपके शीघ्र, अचिर यानी शीघ्र या नवीन, और अजिर, अजिर का अर्थ होता है आंगन, क्या अर्थ होता है आंगन, अजीर का अर्थ होता है आंगन। अब यहां पर एक अजर भी आ जाता है, अजर और अजीर भी आ जाता है, अजर देवता को कहते हैं, अजीर आंगन को कहते हैं। कपिस और कपीस, देखिए कपिस, कपिस का अर्थ होता है भूरा, कपिस का अर्थ क्या होता है भूरा, या बादामी भी कह सकते हैं, बादामी भी कह सकते हैं। और कपीस जो है, कपीस का मतलब दो के लिए होता है, हनुमान के लिए भी होता है, सुग्रीव के लिए भी कपीस ही नाम होता है। तरणी, तरणी और तरुणी, ये तीन चीजें आ जाती है कई बार, लेकिन आती दो ही है, तरणी या तरुणी, तरणी तरुणी या तरणी तरणी, ज्यादातर तरणी तरणी पूछा जाता है। इस तरणी का जिसकी अणि छोटी है उसका अर्थ होता है सूर्य, और जिसमें ई की मात्रा बड़ी है उसका अर्थ होता है नाव। आदि और आदि, देखिए आदि, इस आदि का अर्थ क्या है, इस आदि का अर्थ है प्रारंभ इत्यादि, और इस आदि का अर्थ होता है अभ्यस्त, क्या अर्थ होता है अभ्यस्त। आभरण, आमरण, आभरण और आमरण क्या होता है, आभरण का मतलब, आभरण का मतलब तो होता है यानी आभूषण, क्या अर्थ होता है आभूषण या गहने। और आमरण का मतलब होता है मृत्यु तक, मृत्यु तक होता है। अब आप यदि मान लो इसको हल कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपको ये आ रहे हैं, यानी आप अपनी योग्यता को अच्छी तरह से देख सकते हैं। उपल और उत्पल, उपल, उपल का मतलब तो होता है पत्थर, क्या अर्थ होता है पत्थर, और उत्पल का मतलब होता है कमल, क्या अर्थ होता है कमल। तो ये इस प्रकार होंगे। इसी प्रकार अगला देखिए, निम्न में से किसी एक पंक्ति का पल्लवन कीजिए। पल्लवन का मतलब होता है इसको बड़ा करना है ना, इसकी लगभग चार पांच लाइनें आपको लिखनी है। पराधीन सपनों सुखनाई, पराधीन सपनों सुखनाई, सोच विचार देखो मनमाई, अर्थात जो व्यक्ति पराधीन होता है वो वह पग पग पर किसी को पूछता रहता है, या उसके थोड़ी सी बाधा आते ही वे घबरा जाता है। तो पराधीन व्यक्ति है वो सपने में भी सुखी नहीं रहता है, उसे सपने भी आते हैं तो दुख के ही आते हैं। इसी प्रकार जैसे इसका विश्लेषण करना है, मान सहित विष खाए के शंभु भय जगदीश, मान सहित विष खाए के शंभु भय जगदीश, और बिन मान जो राहु कटाई शीश, ऐसा कुछ हुआ है ना आपके, कि अगर बिना मान कोई व्यक्ति गलत काम करता है तो वह व्यक्ति उसका परिणाम भुगतता है, और मान सहित तो यदि व्यक्ति कोई जोखिम भी उठा लेता है तो भी वह अमर हो जाता है। तो मान सहित विष खाए के शंभु भय जगदीश, अर्थात शिव ने जब वह जेर देवताओं के द्वारा कहने पर जब उसने उस गरल का सेवन किया तब से वो जगदीश कहलाए, जगत के ईश कहलाए। तो इस प्रकार इसका विश्लेषण करना, ये दो ही आएंगे, ये दूसरा तो मैंने इसलिए दिया, ये थोड़ा देखिए आईएमपी लिखा हुआ, मतलब थोड़ा इंपॉर्टेंट है इसलिए आप इसको थोड़ा तैयार कर लें, वैसे प्रश्न आपके इतना ही आएगा, यानी ये इस प्रकार का, ये दोनों में से मतलब दो ही आती है, दोनों में से एक करना होता है। अब बसता है होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत,
या मन के हारे हार हेर मन के जीते जीत, इन दोनों में से आपको यानी हल करना है। मन के हारे हारे इनकी आप पलवन आप आराम से कर सकते हैं। इसी प्रकार जैसे एक वाक्य है, निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यांशों के लिए एक सार्थक शब्द लिखना है, अंग्रेजी में जिसको वन वर्ड कहते हैं, एक शब्द लिखना। यज्ञ में जलाने की जो लकड़ी होती है उसे क्या कहा जाता है, यानी इसको संविदा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संविदा कहा जाता है, जो इंद्रियों द्वारा देखा ना जा सके, अगोचर होता है। क्या होता है? अगोचर होता है। धरती और आकाश के बीच का स्थान अंतरिक्ष होता है। क्या होता है? अंतरिक्ष होता है। पर्वत के नीचे तलहटी की जो भूमि होती है वो उपत्यका कहलाती है। क्या कहलाती है? उपत्यका कहलाती है। जहां धरती और आकाश मिलते दिखाई देते हैं उसे क्षितिज कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षितिज कहते हैं। तो इस प्रकार ये लिखने होते हैं। इसके अलावा देखिए, ये संक्षेपण कीजिए। अब संक्षेपण आपको 1/3 शब्दों में करना है। दूसरा, इसका शीर्षक देना है। शीर्षक आप कैसे देंगे? शीर्षक ज्यादातर क्या होता है कि शीर्षक वाला प्रश्न होता है वो लगभग सही हो जाता है, क्योंकि इसका शीर्षक मैं अलग दूंगा, अगर कोई एक व्यक्ति पढ़ेगा वो दूसरा देगा। जैसे मान लो किसी देश की संस्कृति जानने के लिए वहां के साहित्य का पूरा अध्ययन नितांत आवश्यक है। साहित्य किसी देश तथा जाति के विकास का चिन्ह है। साहित्य में उस जाति के धार्मिक विचारों, सामाजिक संगठन, ऐतिहासिक घटनाचक्र और राजनीतिक परिस्थितियों का प्रतिबिंब मिल जाता है। भारतीय संस्कृति के मूल आधार हमारे साहित्य के अमूल्य ग्रंथ रत्न है, जिनके बारे में भारत की आंतरिक एकता का ज्ञान हो जाता है। हमारे देश की बाहरी विविधता भारतीय वांग्मय के रूप में बहने वाली विचारधारा और संस्कृति की एकता को ढक लेती है। वांग्मय की आत्मा एक है, पर वह अनेक भाषाओं रूपकता परिस्थितियों में हमारे सामने आती है। तो साहित्य उपयुक्त शिक्षण हम एक ही कह सकते हैं कि साहित्य समाज का दर्पण है। साहित्य समाज का दर्पण है, या ना? साहित्य और मानव सभ्यता, साहित्य और देश, यानी इसमें हम जैसे कह सकते हैं कि साहित्य के बारे में, यानी हाँ साहित्य से शुरू है। उसका संक्षेपण कीजिए तो आपको 1/3 में आपको लिखना है इसको। अगला प्रश्न, जैसे मान लो इस प्रकार का प्रश्न आता है, 5, ये मैंने आपको लेटर लिखवाए हुए हैं, मेरे लेटर्स के वीडियो चढ़ाए हुए हैं, जनरल हिंदी यानी जनरल हिंदी पत्र लेखन, दो पत्र लेखन करवाए हुए हैं, जिसमें आपको सब कुछ करवाया हुआ है। पत्र लेखन, सामान्य पत्र लेखन और कार्यालय पत्र लेखन, ये दोनों आपको अच्छी तरह से करवाए हुए हैं, वहां से भी आप देख सकते हैं। जैसे प्रश्न आ गया कि स्वयं को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चावली का पूर्व छात्र मानते हुए राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के सचिव को पत्र लिखिए, जिसमें अपनी 12th बोर्ड की डुप्लीकेट अंक तालिका जारी करने की प्रार्थना की गई हो। आपको बोर्ड के सचिव को पत्र लिखना है। तो अब पत्र लिखते समय यानी आपका जो एड्रेस होता है, इसे और एड्रेस होता ही है, उसके बाद में अपन प्रेसिति यानी जिसको हम किसको लिख रहे हैं, प्रेसिति का एड्रेस करेंगे, फिर उसका विषय कर देंगे, है ना? विषय करने के बाद में मान्यवर या महोदय जो भी है, उसके बाद में समाचार लिखेंगे। समाचार लिखने के बाद हम इसमें लिखेंगे। तो इसमें यदि हम लिखेंगे तो इसमें आप की अंत में लिखेंगे, मेरा जो पूर्ण विवरण है वो इस प्रकार है। तो पूर्ण विवरण यदि आप जैसे डुप्लीकेट कॉपी मंगवा रहे हैं तो नाम लिखेंगे, है ना, और सत्र लिखेंगे, उसके बाद आपके रोल नंबर लिखेंगे, सेंटर का नाम भी लिखेंगे, तो वो सब कुछ लिख करके डिटेल में सेंड करना है। अंत में लिखेंगे कि मैंने आवश्यक राशि का डिमांड ड्राफ्ट संलग्न कर दिया है और इसलिए आप मेरी ये कॉपी, डुप्लीकेट कॉपी है अंक तालिका की, वह कहाँ भेज दीजिए, मेरे नीचे लिखे पते पर आप प्रेषित करने का श्रम करें। तो इस प्रकार आपको लिखना है। अब इसी प्रकार का जैसे मान लो अभी जैसे अपने ग्राम में विद्युत व्यवस्था बाधित होने के क्रम में जिला कलेक्टर को पत्र लिखना है। जैसे मान लो गांव में बिजली नहीं आ रही है तो उसके संबंध में आप जिला कलेक्टर को एक पत्र लिखने के लिए, पत्र बात वही है। पत्र इसमें आप दो तरह से लिख सकते हैं, एक तो आप एप्लीकेशन के रूप में आप लिख सकते हैं, क्योंकि ये शिकायती पत्र है, और शिकायती पत्र है उसमें विनित है वो गांव का सरपंच हो सकता है या समस्त ग्रामवासी हो सकते हैं। तो इसमें आपको दो तरह से, एक तो सेवा में श्रीमान एप्लीकेशन टाइप लिख सकते हैं, एक आप डाक के थ्रू लिखते हैं। तो सबसे पहले आपका पता लिखेंगे, उसके बाद उस पत्र को लिखेंगे। तो इस प्रकार का ये, इसी प्रकार जैसे 7वां प्रश्न है वो 10 अंकों का होता है और ये आपको इसमें एक निबंध लिखना होता है। ये प्रश्न आप जरूर करें क्योंकि इसमें नंबर आने के चांसेस होते हैं। जैसे मोबाइल अभिशाप या वरदान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मेरे सपनों का भारत, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, जीवन में अनुशासन का महत्व, इनमें से किसी एक को आपको हल करके भेजना है। उम्मीद करता हूं ये पेपर आपको अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में जाकर के
और जरूर बताइएगा कि आपको पेपर कैसा लगा। अब एक आपसे और बता दूं कि इसके अलावा अब आपके जनरल इंग्लिश का पेपर जल्दी ही जारी होगा, अपलोड होगा। जनरल इंग्लिश जिसमें दो तरह के पेपर आते हैं, एक तो आपके एमसीक्यू वाला आता है और एक आपके रिटर्न वाला आता है। तो एमसीक्यू वाला, रिटर्न वाला तो पहले किया हुआ है, एमसीक्यू यानी जैसे मान लो मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चंस के हिसाब से कैसे पूछे जाते हैं, उसे हम कैसे हल करना होता है, ओएमआर भरनी होती है, तो ओएमआर कैसे भरते हैं, उन सभी के बारे में आपको बताया जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये पेपर आपको अच्छा लगा है, अवश्य ही आप बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।